बेटा देखिए, आइए देखा जाए, अब हम सेक्सुअल पर्सन के एक एक फेज को क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप देखिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहला फेज होता है उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इसमें दो इवेंट्स होती है, पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इवेंट्स होती हैं, अगर आपको याद हो तो। पहला इवेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस ये पहली प्रक्रिया है, और दूसरा जब गैमिट्स बन जाते हैं तो गैमिट को ट्रांसफर किया जाता है, तब इसे हम लोग गैमिट ट्रांसफर कहते हैं। मतलब दो प्रक्रिया आपको इसमें पढ़ना है, गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। तो अगर आप कभी ध्यान से देखें, समझें इस बात को कि गैमिटोजेनेसिस माने होता क्या है। तो गैमिटोजेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, अगर गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, आपको दूसरी बात क्या करनी है कि गैमिट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, कभी भी आपको कोई भी गैमिट डिप्लॉयड नहीं दिखाई पड़ेगा। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, आपको ये बात सीखनी है कि जितने भी गैमिट्स हैं सबके सब हैप्लॉयड होते हैं, कोई भी गैमिट डिप्लॉयड नहीं हो सकता है। गैमिट एक्चुअली है क्या अगर आप समझें, तो अगर आप एनिमल्स में गैमिट देख रहे हैं, मान लीजिए आपको गैमिट समझना है कि गैमिट एनिमल्स में अगर आप देखें, गैमिट्स में अगर आप एनिमल्स को देखें, तो एनिमल्स में अगर आप मेल में देख रहे हैं, ये देखिए मेल में देख रहे हैं एनिमल्स में, तो गैमेटोजेनेसिस में जो प्रक्रिया है मेल में उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब अगर आपसे सीधे मैं पूछूं तो इसका मतलब होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है मेल के केस में, एनिमल्स में अगर आप देखें तो। दूसरा अगर आप देखें फीमेल्स के केस में देखें, मतलब फीमेल के केस में देखें, एनिमल्स में फीमेल के केस में देखें, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊजनेसिस कहते हैं। मतलब ऊजनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस ये गैमेटोजेनेसिस में आते हैं। इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओबम या ऊटिड, इसे ऊटिड कहा जाता है। ये देखिए तो ये एनिमल्स के केस में, लेकिन अगर आप यही बात प्लांट्स के केस में देखें, अब ये देखिए आप कहाँ पढ़ेंगे प्रक्रिया, एनिमल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो अगर आप प्लांट्स के केस में देख रहे हैं तो ये देखिए प्लांट्स में जो मेल है, यहाँ पर मेल का सेंस किससे है, एंथर से है या स्टेमिन से है, अगर आप समझ लें मेल का सेंस यहाँ पर स्टेमिन से है। तो स्टेमिन में अगर आप देखें तो स्टेमिन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये इतनी बड़ी प्रक्रिया का नाम है, मतलब जो एनिमल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है प्लांट्स में वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अगर आपको इसका मतलब लिखना है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, चाहे हम इसे माइक्रोस्पोर कहें और चाहे इसे हम पॉलन ग्रेन कहें, एक ही बात होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्या डिफरेंस है, जब वो चैप्टर पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। ये हो गया, लेकिन अगर आप इसका दूसरा टॉपिक देखें, इसका जो फीमेली पार्ट है, मतलब जो इसका फीमेल वाला पार्ट है उसको देखें, फीमेल वाला पार्ट को लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। ये देखिए इस कार्पेल में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है कार्पेल्स के अंदर, खास करके ओवरी के अंदर ये प्रक्रिया होती है। ओविल के अंदर एम्ब्रियोशेक बनता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर, इसके द्वारा फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर या
इसी को हम लोग एम्ब्रियो शेक कह देते हैं। इस तरह से आप देखिए, ये एक दो काम मैंने आपको सिखा दिया। एक तो गैमेट्स के नाम, अगर मेल गैमेट देखिए तो स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है। एनिमल्स में, प्लांट्स में देखिए, मेल गैमेट जो है माइक्रोस्पोर है, फीमेल गैमेट क्या है, एम्ब्रियो शेक है। तो इनका फॉर्मेशन होता है और ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है। अगर आप टाइप्स ऑफ मतलब और इनमें कौन कौन से डिवीजन होते हैं अभी देखा जाएगा। अगर आप टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखा जाए कि ये देखिए कितने तरह के गैमेट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखें तो ये जो गैमेट्स आप मेल फीमेल में एनिमल्स प्लांट्स में देख रहे हैं कि टाइप क्या है। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी को फिगर्स को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ और अच्छे से सीख लीजिए। तो देखिए, पहला है आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स पहला टाइप है जिसे आइसोगैमेट्स कहते हैं या होमोगैमेट्स कहते हैं। आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स, ये पहला गैमेट्स का टाइप है। आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स गैमेट का पहला टाइप है। अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। आप देख के बता नहीं सकते हैं कि कौन मेल गैमेट है, कौन फीमेल गैमेट है। ये इसका अगर आपको एग्जांपल समझना हो, अगर आप मान लीजिए नहीं समझ पाते हैं तो आपने इनका शो देखा होगा, कपिल शर्मा का शो देखा है। बोलो, कपिल शर्मा का शो देखा है कि नहीं देखा है? पक्का देखा होगा। कपिल शर्मा के शो में जुड़वा बहनें आई थी। नाम बोलो क्या है उनका? एक का नाम था रिंकी, एक का नाम था चिंकी। रिंकी और चिंकी को देख के ये क्लियर करना कठिन था कि कौन रिंकी है कौन चिंकी है, क्योंकि दोनों के भाव, दोनों के व्यवहार, दोनों की एक्टिविटीज एक जैसी थी। तो ये देखिए, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स ये एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो एक एल्गी यहाँ पर लिखा गया है, उस एल्गी का नाम क्लेडोफोरा है। इस क्लेडोफोरा में मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्या है ये? एल्गा है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में ऐसे बनाया गया है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। पता ही नहीं कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं। दूसरा इसका जो टाइप है, इसका जो दूसरा टाइप है उसे हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। हेट्रोगैमेट्स कहते हैं जहां पर बड़े आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि कौन मेल गैमेट है और कौन फीमेल है। तो हेट्रोगैमेट्स माने, अगर आपको इसको लिखना हो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप क्या कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि सर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऐसे लिख सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो आराम से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं कि कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है, दोनों डिसिमिलर हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अगर आप देखिए तो एग्जांपल आप ह्यूमन का देख लें, मनुष्य से अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, ऐसे अगर हमने बनाया तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये ओबम है। और हमने अगर यहाँ पर ऐसे बनाया, इस तरह से बनाया, आप क्या कहेंगे? सर ये स्पर्म है। तो स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। ओबम क्या है? फीमेल गैमेट है। तो बड़े आसानी से आपने ये बात क्लियर कर ली, कि कौन मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तीसरा अगर आप गैमेट देखें तो उसे हम लोग ओगैमेट्स कहते हैं। ओगैमेट्स मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फीमेल गैमेट इज लार्जर इन साइज, बिगर इन साइज। फीमेल गैमेट इज बिगर इन साइज देन मेल गैमेट। एक्चुअली ये जो कमेंट लिखा है ये जनरल कमेंट है। जैसे एक जनरल कमेंट और मैं आपको बताऊं, देन
फीमेल गैमेट, जन मेल गैमेट, फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की साइज से काफी बड़ी होती है। ये एक जनरल प्रोसेस है, किसी भी आप देखिए जैसे यहाँ पर फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है। आपने गाना सुना होगा जिसकी बीवी लंबी हो उसका भी बड़ा नाम है। तो यहाँ पर आपको इसे समझना है कि जनरल, जैसे एक कमेंट और जनरल है, आप देखिए, देखिए मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है। जैसे देखिए इस पर में मोटाइल है एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, एंड फीमेल देखिए गैमेट इज स्टेशनरी। ये कॉन्सेप्ट है कि मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट हमेशा फिक्स होती है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मतलब ये हुआ कि ये नॉन मोटाइल होती है। आप स्टेशनरी माने किताब को समझ लीजिएगा, किताब की दुकान, उसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। तो अब तीन तरह के गैमेट्स हो गए। एक गैमेट हो गया जिसे आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहते हैं, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। दूसरा हेटरोगैमेट्स, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों डिफरेंट है, दोनों की सेम साइज डिफरेंट है। और तीसरा जो है ओगैमेट्स है, जहां पर ओबम की साइज मतलब मेल फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की साइज से बड़ी होती है। और ऐसा जनरली भी होता है, इवन मैं आपको बताऊं कि मेल फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट कंपेरिजन में 1000 गुना ज्यादा बड़ी होती है, ऐसा भी होता है। जनरली आप ये भी देखेंगे कि मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट होती है वो स्टेशनरी मतलब नॉन मोटाइल होती है, ऐसा भी आप देखने को पाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखिए एनसीईआरटी ने आप जब गैमेट्स के टाइप पढ़ा दिए, तब एनसीईआरटी ने क्या किया, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया। सेक्सुअलिटी मतलब कौन बाइसेक्सुअल है, कौन यूनिसेक्सुअल है, इसकी मीनिंग आपको सिखाता हूं। तो आइए देखा जाए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ। तो अगर आप सेक्सुअलिटी देखते हैं तो सेक्सुअलिटी के बारे में सबसे पहले देखें, सेक्सुअलिटी के लिए दो शब्द हमेशा रखते हैं। जैसे पहला शब्द होता है जिसे हम लोग मोनोसियस कहते हैं, मोनोसियस। इसके पहले आपको एक बात सीखना पड़ेगा कि बायोलॉजी में कभी भी अगर ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए तो इसका मतलब मेल होता है, मतलब मेल के लिए ये सिंबल है, आपको ये समझना है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब फीमेल है। ये देखिए, अगर आपने ऐसे राउंड करके नीचे लगा दिया तो ये फीमेल है, अगर आपने ऊपर एरो लगा दिया तो वो मेल है। लेकिन अगर आपने तीसरी कंडीशन, मान लीजिए कंडीशन और है जिसमें आपने ऐसे किया और फिर ऐसे नहीं किया, तो इसका मतलब ये वो जो है ये बाइसेक्सुअल है। इसमें मेल के भी फीमेल के भी दोनों करेक्टर सेम है, मतलब दोनों करेक्टर पाए जाते हैं। करेक्टर मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल का भी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का भी सेक्स ऑर्गन है, तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो अगर आप मोनोसियस देखते हैं तो मोनोसियस के और भी नाम है, जैसे मोनोसियस का दूसरा नाम है बाइसेक्सुअल, ये देखिए बाइसेक्सुअल ये दूसरा नाम है। अगर आप इसका तीसरा नाम देखते हैं तो इसका तीसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ये देखिए हर्माफ्रोडाइट ये भी इसका नाम है। अगर आप इसको हिंदी में देखते हैं तो इसका हिंदी का मतलब होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जीव जिसके अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, उसे हम लोग मोनोसियस कहते हैं। ध्यान रखिए मोनो माने एक में ही दोनों सेक्स ऑर्गन की मीनिंग होती है। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए ये मेल करेक्टर है और ये फीमेल करेक्टर है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर देखिए एनी मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही जीव के अंदर जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं तब उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये देखिए बाइसेक्सुअल कहते हैं। प्लांट के केस में अगर आपका मन कह रहा है तो प्लांट के केस में इसी को हम लोग होमोथैलिक भी कहते हैं, प्लांट के केस में इसी को हम लोग भी होमोथैलिक भी कहते हैं। अब सोचिए इतने नाम है, क्या क्या नाम हो गया, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी, होमोथैलिक। ऐसे जीव मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं एक ही जीव में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आप कहेंगे टेस्टिस है,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है। तो अगर टेस्टिस और ओवरी किसी एक ही जीव में दोनों पाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि द्विलिंगी है। अगर आप एग्जांपल्स देखें इसका, एग्जांपल्स देखें, पहले आप इसका प्लांट्स में एग्जांपल देख लें। तो अगर आप प्लांट्स में एग्जांपल देखते हैं तो एनसीईआरटी ने क्या क्या नाम लिखा है देखिए। एक तो एनसीईआरटी ने लिखा है कुर्बिटा, ये देखिए पहला नाम हो गया। दूसरा नाम हो गया कोकोनट, कुकुरबिटा कोकोनट। तीसरा नाम अगर आप देखें तो स्वीट पोटैटो, इसका एनसीईआरटी ने फिगर बनाया हुआ है, स्वीट पोटैटो ये नाम है, ये देखिए स्वीट पोटैटो। और एक नाम और अगर आप समझें तो ये एग्जांपल है जो कारा है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो इस स्वीट पोटैटो का और कारा का एनसीईआरटी फिगर है, मतलब फिगर भी है बना भी है। कहाँ पे फिगर है? कुछ नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी क्लियर करना है। और ये दोनों चीजें सिर्फ लिखी गई हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई प्लांट्स में भी बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का यहाँ मतलब यह हुआ कि स्टेमन और कार्पेल एक ही फ्लावर के अंदर है, स्टेमन और कार्पेल एक ही फ्लावर के अंदर है, इसलिए इनको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल्स के केस में देखें, एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स के केस में कौन कौन से प्लांट्स? तो सबसे आप पहले देखें स्पंजेस जो है, ये स्पंज जो होते हैं, स्पंज मतलब कौन सा फाइलम? आप कहेंगे सर पॉरीफेरा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको सीखना है समझना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है। स्पंजेस के बाद ये देखिए दूसरा जो है लीच, जो है लीच जो है ये भी बाइसेक्सुअल है। फिर देखिए टेप वार्म दिया हुआ है, ये भी बाइसेक्सुअल है। अब ये स्पंज हो गया, लीच हो गया, टेप वार्म हो गया, ये एनिमल्स क्या है? बाइसेक्सुअल है। मतलब इनमें आपको मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ दिखाई पड़ेंगे। तो ये एनिमल्स के बाइसेक्सुअल हो गए और ये प्लांट्स के बाइसेक्सुअल हो गए, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, आपको अच्छे से आने चाहिए। अब अगला आप देखें, अगला आप देखें तो ये तीन हो गए। और एक और आप देखें, यहाँ आप अर्थवार्म लिख लें, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ये देखिए आप यहाँ लिखिए अर्थवार्म है, ये इसका फिगर भी एनसीईआरटी ने बनाया है। अर्थवार्म मतलब समझ रहे किचुए में, ये बाइसेक्सुअल होता है। अब अगर आप दूसरा देखिए तो ये पहला हो गया, पहला ये कॉन्सेप्ट है मोनोसियस का। लेकिन अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखते हैं तो दूसरे एनिमल्स को हम लोग डायोसियस कहते हैं। डायोसियस पहला नाम हो गया, जब यहाँ मोनोसियस है तो यहाँ डायोसियस है, वहां बाइसेक्सुअल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ होमोथैलिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेट्रोथैलिक हो जाएगा, हेट्रोथैलिक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं, समझना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। ये देखिए ये तीनों एक ही चीजें हैं, डायोसियस यूनिसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक। अगर आप इसकी हिंदी लिखना चाहते हैं तो इसकी हिंदी लिखिए कि सर इसकी हिंदी होती है एक लिंगी। एक लिंगी मतलब क्या हुआ? जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कोई एक मेल होगा तो कोई एक क्या होगा? फीमेल होगा। मैं आपसे पूछूँ आप क्या हैं, खुद ही तय कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं? अगर आप लड़के हैं तो आप फीमेल हैं, लड़के हैं तो आप मेल हैं, बहुत कॉमन सेंस की बात है ये। तो डायोसियस या यूनिसेक्सुअल या हेट्रोथैलिक कहते हैं इसे। तो अगर आप इसके एग्जांपल देखें, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना है, अगर प्लांट्स का आप केस देख रहे हैं, प्लांट्स का केस देख रहे हैं तो ये देखिए जिसमें स्टेमेन पाया जाता है, तो बताइए स्टेमेन किसमें पाया जाता है? स्टेमेन मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल है? तो आप कहेंगे सर मेल है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स को हम लोग स्टेमिनेट भी कह सकते हैं, बाई दे आपका मन कहे तो इन्हें हम लोग स्टेमिनेट भी कह सकते हैं। और जिनमें पिस्टिल पाया जाता है, पिस्टिल कौन से हैं? पिस्टिल कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को, तब इन्हें हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं या कार्पलेट कहते हैं, जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। ये देखिए इनके अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हैं मेल प्लांट्स और एनिमल्स में, तो आप ऐसे देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर आप एग्जांपल्स देखें किसके, एग्जांपल्स डायोसियस के देखें, तो पहले आप प्लांट्स में देख लीजिए। प्लांट्स में अगर आप इसका एग्जांपल देखते हैं तो ये देखिए पपाया, पपीता जो होता है वो डायोसियस होता है,
अगर आप कभी गांव से बिलोंग करते हैं, आपकी जड़ें गांव में हैं, तो आप देखिए गांव में जो बूढ़े दादा या परदादा जो आपके होते हैं, दादा और ग्रैंड फादर वगैरह, वो आपसे कहते हैं बेटा ये पपीता उखाड़ के फेंक दो, इससे पपीता नहीं होगा। आप पूछते क्यों, तो कहते हैं बेटा ये मेल है, मेल में कहाँ से पपीता होगा, पपीता किस में होगा, फीमेल में होगा। तो ये देखिए पपीता जो होता है, ये दूसरा जो है डेट पाम, ये पपीता डेट पाम, और तीसरा जो है एक प्लांट है जिसका नाम मर्केंसिया है, ये देखिए मर्केंसिया है, ये जो प्लांट है मर्केंसिया, इसका एनसीईआरटी ने फिगर बना रखा है, फिगर है एनसीईआरटी में, जबकि ये तो दोनों नाम है इसके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है प्लांट से केस में। तो प्लांट से केस में आप क्लियर कर लें, पपैया डेट पाम और मर्केंसिया जो है ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक लिंगी है, इनमें एक मेल प्लांट होगा और एक फीमेल प्लांट होगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो ये देखिए इसका एग्जांपल काकरोच है। मैं आपको बताऊं, काकरोच का एनसीईआरटी में फिगर भी बनाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ये देखिए फिगर है। मैं अब इसलिए दिख रहा हूँ ताकि आप एनसीईआरटी देख लें, कभी कभी फिगर भी आता है। तो काकरोच कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। कैसे आप कहेंगे, आप कहेंगे सर देखिए इसका डिफरेंस क्या है। अगर आप फिगर देखेंगे तो कॉडल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल, कॉडल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल एंड अब्सेंट इन किसमें बेटा, फीमेल्स। अगर आप इनमें देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से कॉडल स्टाइल दिखाई पड़ेगी, किसमें, मेल में। ये कई बार नीट में पूछा गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नीट वाले ऐसे क्वेश्चन को गलती न करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, पिछले साल ही नीट में पूछा गया था कि कॉडल स्टाइल कहाँ पाई जाती है। तो कॉडल स्टाइल पाई जाती है मेल में, एब्सेंट होती है फीमेल्स में। काकरोच के सिवा अगर आप देखें तो इसके सिवा और भी फिगर है, एग्जाम्पल है फ्रॉग। ये देखिए फ्रॉग भी जो है यूनिसेक्सुअल होता है। अगर आप देखें तो कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है, कॉपुलेटरी पैड इज प्रेजेंट इन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स ऑफ मेल। ये एनसीईआरटी की भी लाइन है, फर्क ये है ये लाइन आपको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी में, फ्रॉग जब पढ़ेंगे तब मिल जाएगा। अपनी बात कर लेते हैं, ह्यूमन की बात कर ले, तो अगर ह्यूमन में देखें सिंपल सा आदम एप्पल अगर आप देख रहे हैं, आदम एप्पल क्या है, आदम एप्पल पहले समझ लीजिए, ये गले में जो होता है इसे आदम एप्पल कहा जाता है, ये लैरिंग्स के पास। तो आदम एप्पल इज प्रेजेंट इन मेल एंड अब्सेंट इन फीमेल। आदम एप्पल इज प्रेजेंट इन मेल एंड अब्सेंट इन कहाँ पे बेटा, फीमेल। ये देखिए ये जो मैंने लिखा है मेल फीमेल का डिफरेंस, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब ये हुआ कि आप बड़े आसानी से मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको देख के आप बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर किसी में आदम एप्पल है तो मेल है, किसी में आदम एप्पल नहीं है तो क्या है, फीमेल है। तो ये मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल आप कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है। अगर किसी को आदम एप्पल निकला है तो वो मेल है, जिसको आदम एप्पल नहीं निकला है वो क्या है, फीमेल है। कभी आप अपने गले को ऐसे देखिए, आदम एप्पल है तो आप मेल है, यहाँ जो निकला हुआ है ये कौवा जिसे कहते हैं, और जिसमें नहीं निकला हुआ वो क्या है, फीमेल है। तो ये चीजें हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सीखनी है, समझनी है, अच्छे से समझना, कहीं कोई गलती नहीं करनी है। अब आइए आपको हम डिवीजन पढ़ाते हैं।